कमिश्नर से मिलने? क्यों? से मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिला।
ये कह रही है कि अविनाश अब ब्याह नहीं है तो ये व्रत नहीं रखना चाहती। तू करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती? ठीक है बेटा, मत रख। देख बेटा, ये हमारी मजबूरी है कि किन्हीं कारणों की वजह से अविनाश आज हमारे साथ नहीं है। इसीलिए बेटा और जरूरी हो जाता है कि तू व्रत रखे, पूजा करे। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आए मेरी मालिनी। उमा बेन। बेन बेन। रेवा दो, रेवा दो। क्या है ने? मैं एक बात पूछता हूँ, तुम सच्ची सच्ची बताओ ने? तुम सचमुच मालिनी के जाने के वास्ते रो रही हो? कि पछि ये घर से जाना पड़ेगा इसके लिए रो रही? हम बटिंडे वाले हैं, इतने मतबली नहीं होते हैं तुम्हारे जैसे। नहीं नहीं नहीं, सोमा बेन, रेवा दो। क्या है ने? मैं भतिंडे वालों को कभी रोते हुए देखा नहीं हूँ ने। ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी हलचल हो रही है, इसके लिए बोला है। ये वैसे क्या है ने, एक बात बताओ। अभी हम लोग इधर पे है ने मालिनी की वजह से रह रहे थे, है ना? उसको ढूंढने के लिए आए, इसके लिए घर में है। अभी वो तो रही नहीं, हो सकता है ने वो लोग भी हमको इधर रहने नहीं देवे। हाय हाय हाय, हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाय मैं जैसा ये घर है, हाय मुझे अच्छी अच्छी चीजें कैसे मिलेंगी खाने के लिए? हाय कुछ सोचो, सोचो कुछ, हम लोग इधर कैसे रहे सोचो तो। वो भी मैं सोचूं? ये भतिंडा वाले कभी कुछ सोचते ही नहीं है। सोचता हूं, हाँ सोचो सोचो। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूं ऐसा कि ये घर से कभी जाना ही नहीं पड़े। क्यों मुझे इतना कमजोर समझा गया कि मुझे अपने जवान बेटे की मौत का मातम भी नहीं मनाने दिया? क्यों रंजन को विधवा होते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहा गया? क्यों उसे अंदर ही अंदर घुट घुट कर अपने आंसू पीने के लिए कहा गया? क्यों एक विधवा को, एक विधवा को जबरदस्ती करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा गया? बाबूजी, प्लीज आप गलत मत समझिए। बाबूजी उस वक्त आपकी तबीयत खराब थी, हमें डर था कि कहीं अगर प्रतीक के बाद अविनाश का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या होता, मैं मर जाता। ये क्या किसी मौत से कम है जो अंतिम समय में अपने बेटे को देख नहीं सका?
उसकी अर्थी को कांधा नहीं दे सका। अविनाश की मौत की खबर मुझसे छिपाकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अकेली सब कुछ सहती रही, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। मैंने कितनी बार पूछा, कितनी बार सबसे पूछा कि अविनाश कहाँ है, कहाँ है, लेकिन ना रिमझिम ने ना यशोदा ने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अरे हमसे अच्छा तो वो प्रेम निकला, अविनाश के आखिरी वक्त में कम से कम उसने उसका चेहरा तो देखा, उसका दाह संस्कार किया, उसका अस्थि विसर्जन तक उसने किया। हमें तो वो मौका भी नहीं मिला। बेटा उस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही ख्याल था कि तुम्हारे बाबूजी को इस बात का कैसे पता न चले। कैसे तेरे बाबूजी? माँ जी वो ठीक नहीं है। माँ जी ने ये सदमा अपने दिल पे लगा लिया। बात का डर था वही हुआ। गलती हमारी है माँ जी, हमें सुबह कमिश्नर साहब के पास से ले जाना चाहिए था। गलती हमारी है। अब क्या होगा? ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कौन उन्हें हिम्मत देगा? कौन उन्हें हौसला देगा? कुछ नहीं होगा बाबूजी को, कुछ नहीं होगा माँ जी। भूख लगी है, कोई खाने को ही नहीं पूछ रहा है। आज तो घर में खाना भी नहीं बनेगा। अम्मे से ना खा करती रहती है। भूख लगी है। नानी जी, आए। नानी जी, सब क्यों रो रहे हैं? रब्बा, तुझे इस बच्ची पे भी तरस नहीं आया? पुत्र, तेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। Ah!
के पास चले गए। I hate you.